तो भाई लोगों, आज हम चले हैं बहुत दूर। पहले तो आपको मैं गुड इवनिंग बोल दूं, और आज की शाम बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की शाम को हम चले हैं इतनी शानदार जगह। वैसे मैं कैनल का विजिट भी कराऊंगा आपको, कैनल भी दिखाऊंगा, और आपके चहेते और बढ़िया ईमानदार और निष्कष्ट, क्या बोलते हैं, उम्मीदवार यही बोलते हैं, उनसे भी मिलाऊंगा। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए, विश्वास, और आपने मुझ पे फेथ किया, विश्वास किया। और लास्ट टाइम जो अपना लीडर आया था, लीडर रेड हाउस का, वो प्रॉपर सारा लीडर सेल हो गया है, और आपने इतना विश्वास दिलाया है, और बोले तो इतना विश्वास किया मेरे ऊपर, मेरी ब्रीडिंग के ऊपर। वैसे होता नहीं है, और पीछे आप देख ही चुके होंगे ब्लॉग, आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये देखिए, आज हम दो दो को लेके जा रहे हैं, दो फीमेल मेरे कैनल पे हैं, और एक ये फीमेल मेरी ऑन हीट है, और ये है नट्स वोम हस्कारे की ग्रैंड ग्रैंड डॉटर, है ना। और ये टाइसन क्वार्टर व्यूज की लाइन से लिंक रखती है, और इसकी आज हम मीटिंग कराने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत डॉग्स हैं, और वो लाइन ब्रीड होगी, 4x4 होगी टाइसन वॉम क्वार्टर बुश, 5x5 होगी क्वीन वॉम लोहेर वेग। ये बहुत ही यूनिक लीडर मेरे पास आने वाला है, मेरी जो उसका मेरी ड्रीम का लीडर, जो मेरे सपनों का लीडर है, जो मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा पपी मैं तैयार करूँ। और ये लोंगकोट फीमेल है, ये भी लोंगकोट फीमेल, लोंगकोट ही मेल से मेट होने जा रही है। बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट आने वाला है हमारे पास, और मैंने सोचा आज आपने इतना विश्वास दिलाया, सबसे पहले तो विश्वास मुझ पे किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ वैसे दबी दबी लग रही है, क्योंकि मेरे को कोल्ड हो रखा है, फीवर हो रखा है, और भाई जो काम करना है वो तो करना ही है। और यह हमारी छोटी बच्ची है, जो मैं अक्सर, मैंने मैक्सिमस की डॉटर तैयार कर रखी है, ये वो बच्ची है। साथ में इसकी प्रैक्टिस होती है वहाँ, और ये प्रैक्टिस के लिए जा रही है। टेम्परामेंट देखो इसका, मस्त भाई, खेलते हुए जा रही, नो फियो ए ना। और आप देख सकते हैं, वैसे इसका ओरिजिनल नेम जो है वो फ्रूटी है, फ्रूटी फ्रूटी एक पीने वाली भी होती है, और मतलब फ्रूटी देखो सबको पसंद आती है, तो ये वाली, ये वही वाली फ्रूटी है, ये भी सबको ही पसंद आती है। हाँ, तो फ्रेंड सर, अभी मैं चला हूँ मथोंडा साहब के पास, इंजीनियर कैनल, और मैं आपको विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा। अगर आई होप कि मैं टाइम से पहुंच गया, अंधेरा होने से पहले अगर पहुंच गया तो मैं सारा दिखाऊंगा। और इस छोटी बच्ची के अभी जो ये डॉग सीजन चला है, उसके लिए ट्रेनिंग वहीं चल रही है, और ये वीक में 2 से 3 दिन वहाँ चली जाती है, और उसके बाद अपना वापस आ जाती है। और इसका जो हमारे ट्रेनर हैं, हैंडलर सुपर्ब हैं, बहुत अल्टीमेट नाइस पर्सन है, और वो है जशनदीप। जशनदीप को तो आप जानते होंगे, पंजाब के हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, कोई चाचा जी उनके ग्रुप के ही मेंबर हैं ये चाचा जी, बोले तो सन्नी टुटेजा जी उनके ग्रुप के मेंबर हैं ये, और उन्हीं वही हैंडल करेंगे इसको, उन्हीं के हाथ में डोर हमने इसकी पकड़ाई है। तो अब देखते हैं दोस्तों, डॉग शो का तो बाद में देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेकिन हमने तो अपनी मेहनत करनी है, और आज मेहनत करेंगे तो कल को फल भी मिलेगा ही। 10 साल के बाद फाइनली लीटर लेने के लायक मैं अब हो चुका हूँ, अच्छी ब्रीडिंग के लायक। और आप बेझिझक आंखें मीच के विश्वास करके पूरी मेरे पे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई अगर ब्रीडिंग का बच्चा लेना है तो भाई का ही लेना है, अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि इसमें कोई आपको कहीं से भी 1% डाउट नहीं मिलेगा, कहीं का बच्चा कहीं नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि मेरे पास 2 बच्चे हुए, मैंने 6 शो कर दिया आपको, और आप
धीरे धीरे मैं आपको कहीं और से अरेंज करके दे रहा हूँ। नहीं, जितने होंगे भाई सामने होंगे, है ना, जितने सेल होंगे वो सामने होंगे, बट ये जो लीटर आएगा इसको मैं थोड़ा रोक के सेल करूँगा। इसमें से मैंने खुद के लिए भी रोकने हैं और आप लोगों को भी अच्छी चीज़ें देनी है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा साउथ में विश्वा भाई का, जिन्होंने विश्वास रखा मुझ पर और एक अल्टीमेट मेल मुझसे परचेज किया। और फिर प्रमोद भाई हैं, ये हैं झारखंड से, भाई आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने आंखें मीच के एडवांस डाला और जब मैंने कहीं तुरंत पेमेंट करी और मैंने यहाँ से सेफली आपके पास पपी डिलीवर किया। इनके पास फीमेल गई है। और एक भाई है हमारे उड़ीसा से, प्रतीक भाई का भी बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने भी बहुत, ये भी बहुत टाइम से मेरे पीछे थे कि भाई बच्चा लेना है, आपकी ब्रीडिंग का लेना है। हालांकि देखो, पैसा खर्च करने से पहले इंसान हर जगह देखता है, हर चीज सोचता है भी क्या किया जाए क्या ना किया जाए, और लें या ना लें, कैसा निकलेगा, क्योंकि पैसा भाई मेहनत का होता है। ठीक है, फ्री फंड का पैसा किसी के पास नहीं होता, मेहनत का होता है। और हम लोग, अगर मैं आज आपको ऐसे ही बच्चा उठा के दे दूंगा तो भाई वो पैसा मेरा किसी काम का नहीं है। मैंने जो इस लीटर में कमाया, लीटर के लीटर में, वो मैंने एक छोटा सा सेटअप तैयार कर दिया कैनल का, मैंने इन्हीं के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया। और अब आने वाले टाइम में भी जो भी कमाऊंगा मैं इन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मीटिंग के ऊपर, इनके फूड के ऊपर, सप्लीमेंट के ऊपर, और इनके रखरखाव के ऊपर, इनके कैनल के ऊपर, है ना। ये नहीं है भाई लोग, अपना काम बहुत क्लियर है अपने पास, भगवान की दया से रोज के मतलब अच्छा खासा इनकम है अपनी। आईटी से मैं बिलोंग करता हूँ, वेब डिजाइनिंग में करता हूँ, अब मेरा काम सारा नाइट में होता है, तो इतना कोई बड़ा लालच नहीं है अपने को कि भाई नहीं, पैसा कुत्तों का ही पैसा चाहिए हमें। नहीं, हमें चाहिए कि आपके पास चीज अच्छी आए। मेहनत सभी लेते हैं, इसीलिए मैंने रीजनेबल रेट रखा है कि जितने में मेरी मीटिंग होगी उससे 2-4-5 हजार ऊपर का बच्चा मिलेगा आपको, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। 45 से 60 डेज तक का, बस उससे ऊपर फिर उसका खर्चा आपको मालूम है कि एक बच्चे का खर्चा नहीं भी तो 5 हजार रुपए एक बच्चे का खर्चा आना ही आना है। उसकी फीड पर मंथ की फीड होगी, अच्छी फीड होगी, उसके सप्लीमेंट होगे, और सप्लीमेंट भी मेरे टॉप ब्रांड के होते हैं। आज भी अगर कभी भी कोई भी भाई मेरे को वीडियो कॉल करके देखना चाहे तो देख सकता है, स्पेयर में पड़े होते हैं सप्लीमेंट। ये नहीं है कि हाँ भाई उठा के कोई भी मल्टीविटामिन पटक दिया, कोई भी कैल्शियम पटक दिया। हम पहुंच गए टोल पे, ये हमारा पहला टोल आ गया है। ये हमारा पहला टोल जिसे मैं क्रॉस करने वाला हूँ, और भीड़ भाई लाइन बहुत लंबी है, ये शाम का टाइम है, लाइन बहुत लंबी है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने वाला है भाई लोगों। और क्या बताऊं मैं आपको, सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है। दो दो बच्चों को मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, मज़े में जा रहा हूँ, मज़े में ही रात को 9-10 बजे वापस आऊँगा। और बस प्रतीक, हाँ प्रतीक भाई के पास भी फीमेल है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा। हालांकि थोड़ा बहुत देखो, जो एज होती है 3 महीने से लेके 6 महीने तक, 7-8 महीने तक, इसमें कभी भी कहीं से भी आप पपी लो, अगर उसके पिस्टन लूज होते हैं या फिर उसके जो पीछे के पैर होते हैं, हाइंड लेग्स बोलते हैं जिसको, वो लूज होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको अच्छी एक्सरसाइज दो, उसको खेलने के लिए ओपनली छोड़ दो, उसको भगाना नहीं है, खेलने दो उसको। सुबह शाम खाली वॉक कराओ, वॉक पे लेके जाओ उसको, लंबी वॉक पे लेके जाओ, और वॉक पे ले जाने के बाद वॉक पे ले जाने के बाद उसको अच्छे से बोले तो चेक करो, उसमें टिक्स वगैरह तो नहीं है, उसमें पाउडर वगैरह भरो, भरना है तो पंजों में, उसके पैरों में, उसके बॉडी में, और वो धीरे धीरे अपनी वो प्रॉब्लम सेट हो जाएगी उसकी पिस्टन की, उसकी। हाँ, कोई सप्लीमेंट अगर किसी को पूछना हो कि भाई मेरे डॉग में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको जरूर गाइड करूंगा, और अच्छा गाइड करूंगा। जो मैं देता हूँ मैं वही बताऊंगा, जिसका मुझे रिजल्ट पता है, जिसका मुझे रिजल्ट नहीं पता मैं वो नहीं बताऊंगा,
है ना, क्योंकि उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। और भाई प्लीज, पीछे भी कॉल आई, कई लोगों की कॉल आई, मेरे पास पपी और रखे हैं, मेरे पपी सेल करवा दो, तो प्लीज कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं अपनी ब्रीडिंग के अलावा कहीं के भी पपी सेल नहीं करता और ना ही किसी को मैं प्रेफर करता कि भाई ये वाला यहाँ से पपी ले लो, इनके पास लीटर अच्छा है। क्यों? उनकी ब्रीडिंग का उनको पता है, मेरी ब्रीडिंग का भाई मुझे पता है कि हाँ भाई मेरी ब्रीडिंग में क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, क्या चीज़ मैंने इस ब्रीडिंग में कवर करी है, क्या सीखा है, अगली ब्रीडिंग में अगर इस ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आई है तो अगली ब्रीडिंग में मुझे क्या चीज़ देखनी है, ये मुझे अपना पता है। मुझे ये नहीं पता मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है कि भाई एक अच्छा इम्पोर्ट डॉग आ रखा, भालू जैसा लगता है, बाल बहुत लंबे हैं और बहुत सुंदर दिख रहा है, तो उससे मीटिंग ले लूं। नहीं भाई, अपना वो काम नहीं है। अपा लाइन ब्रीड से मतलब चलते बोलते सब हैं कि हम लाइन ब्रीड से चलेंगे, लेकिन भाई मैं करके दिखाऊंगा। मैं चल रहा हूँ, शुरू से ही लाइन ब्रीड से चल रहा हूँ मैं, और मैं आगे भी चलता रहूंगा। मैं अपनी लाइन नहीं छोड़ूंगा और आई होप कि आने वाले एक दो साल में मैं खुद की लाइन अपनी आपको सामने दिखाऊंगा। और जिस प्रकार जिस तरह से जर्मनी में डॉग होते हैं, तो उनका नहीं भी तो 30-40-50% 60% तक तो मैं ले ही आऊँगा। और ये मुझे खुद पे विश्वास है कि एक दिन मेरे पास, अगर आप जर्मनी से कोई इम्पोर्ट देख रहे हो कि भाई वो तो वेल्प इम्पोर्ट के बच्चे आए, वो इम्पोर्ट आया है, तो तकरीबन उससे 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन मेरे पास डॉग बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आप लोगों को। और आप लोगों का साथ चाहिए, विश्वास चाहिए, सबसे बड़ी बात है विश्वास। अगर आप लोग जितना विश्वास करोगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं कभी टूटूंगा नहीं ब्रीडिंग के लिए। मैं ऐसे नहीं सोचूंगा मेरा नुकसान हो गया तो आगे पैसे कैसे कमाऊं, नहीं वो चीज़ नहीं सोचूंगा। वो क्यों नहीं सोचूंगा? जब तक आप विश्वास नहीं दिखाओगे। और भाई दीपक भाई, कोई टेंशन नहीं है, आप करो, तो फिर तब तक क्या है, हौसला भी नहीं बनेगा, है ना। हौसला अपना खैर वैसे भी टूटने वाला नहीं है, है ना, आप लोग अपने साथ हैं ही हैं, मथोंडा ये है ही है, मेरा एक बहुत कुलीग बहुत अच्छे यार दोस्त है अक्रोश भाई, राहुल भाई, और अपने हमारे उस्ताद जी हैं अक्रोश भाई, उस्ताद जी हैं मंजू भाई, ये सारे अपने खास हैं। ये जब भी कोई गाइडेंस चाहिए होती है तो हम तो भाई आधी रात को भी फ़ोन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई क्या प्रॉब्लम, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है क्या किया जाए। बट कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है, ये बात रियलिटी है। आप कहीं से कुछ भी पूछ लो, आपने करना वही है जो अपने आपके मन को ठीक लग रहा है। बट नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ, तीनों के रिव्यू देखता हूँ, उसके बाद रिजल्ट निकालता हूँ भी क्या करना चाहिए, है ना। तो भाई थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्यार देने के लिए। लाइक भी करो मेरे को, सब्सक्राइब भी करो यार। सब्सक्राइब जब करोगे, लाइक करोगे, तभी तो ये भाई छाएगा भाई, सबको पता लगेगा हाँ भाई अच्छी ब्रीड है यहाँ कहीं। और जब नहीं करोगे तो भाई किसको पता लगना है, वही 650 सब्सक्राइबर 650 4648 दो ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक भाई करता है सब्सक्राइब, बाद में वो अनसब्सक्राइब कर लेता है, जब उसको जरूरत होती है फट से आ जाता है, फिर फट से भग जाता है। भाई ऐसे मत करो यार, क्या जा रहा है तुम्हारा बटन दबाने में, है ना। बल्कि हमें खुशी मिलती है, वाह इतने सारे हो गए, फिर हम रेगुलर वीडियो भी डालते रहते हैं। अब इतने से सब्सक्राइबर भाई यार, हमने कुछ तो देखो यार भाई, कुछ तो स्टेटस का ख्याल करो, मेरा नहीं तो अपना ही स्टेटस देख लो यार। करो लाइक, करो सब्सक्राइब, करो कमेंट करो भाई, अच्छा बुरा जैसा मन करे वैसा करो, कम से कम पता तो लगे हमें कि हाँ भाई हमारे अंदर ये कमी है, हमने ये पूरा करना है, है ना। तो थैंक यू सो मच भाई। अभी लाइटें जलने लग गई है तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे कि भाई रात को क्या होगा क्या नहीं होगा, अंधेरा तो हो ही गया है। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच प्यार दिखाने के लिए, प्यार देने के लिए इतना सारा। और मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू भाइयों।